लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने जारी की अपने 12 प्रत्याशियों की सूची। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में, मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के शुरू हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी की अपने 12 प्रत्याशियों की सूची। कौन कौन से नाम है, कहाँ कहाँ से, क्या है, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज़ अर्थात लोकसभा चुनाव की अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और तमाम न्यूज़ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सीटों के लिए प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने प्रदेश की 12 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है। गुना, ग्वालियर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर सीट को अभी भी होल्ड पर रखा गया है। गुरुवार को जारी सूची के अनुसार सागर, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, देवास, उज्जैन, खरगोन, खंडवा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। देख आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दर्शकों, हम आपको पूरी लिस्ट बता रहे हैं और नाम भी बता रहे हैं जो कि ऑफिशियल उन्होंने अनाउंस किया है कांग्रेस ने उस सीट के बारे में, जिसमें कि सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, दमोह से प्रताप सिंह लोधी, सतना से राजा राम त्रिपाठी, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी, सीधी से अजय सिंह राहुल और जबलपुर से विवेक तनखा, मंडला से कमल मरावी, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, देवास से प्रहलाद तिपानिया, उज्जैन से बाबूलाल मालवी और खरगोन से डॉक्टर गोविंद मुजालदा, खंडवा से अरुण यादव, इनका नाम शामिल है जो कि 12 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें कि इन्होंने 12 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस द्वारा जारी की गई अपनी 12 प्रत्याशियों की सूची के विषय में कुछ विशेष जानकारी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ और लोकसभा चुनाव की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।